दोस्तों, हमारे भारत और सिंगापुर का ट्रेड काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था, लेकिन अभी हाल ही में सिंगापुर से काफ़ी चौंका देने वाली न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ऐसा देश जहां का हर एक सामान इम्पोर्ट होकर सिंगापुर में आता है, वो देश ऐसा बैन कैसे लगा सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दरअसल दोस्तों, सिंगापुर में किसी भी प्रकार का प्लांट या फिर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर क्षेत्र। लेकिन अभी हाल ही में सिंगापुर से काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सिंगापुर ने काफी भारी मात्रा में चीन को बासमती राइस एक्सपोर्ट किया है और वो सभी चावल करीबन 40% तक हमारे भारत के ही बासमती राइस शामिल थे। अब सिंगापुर की इस हरकत के चलते हमारे भारत ने सिंगापुर को होने वाले बासमती राइस पर हाई कस्टम लगा दिया था, क्योंकि सिंगापुर काफी रिमोट एरिया पर स्थित है लैंड के हिसाब से, और सिंगापुर का करीबन 70% से भी अधिक जीडीपी का हिस्सा सिंगापुर के सी पोर्ट के माध्यम से ही आता है। और सिंगापुर में कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर नहीं है और सिंगापुर को अपनी फूड सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर संपूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सिंगापुर को हाई सब्सिडी पर सस्ते दामों में बासमती राइस एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन सिंगापुर ने हमारे भारत से मिले सस्ते दामों के राइस को अपने देश की ब्रांडिंग लगाकर दूसरे देशों को महंगे दामों पर एक्सपोर्ट करने लगा था। इसी वजह से भारत ने सस्ते बासमती चावल से अपनी सब्सिडी हटाकर सिंगापुर को देने लगा, क्योंकि सिंगापुर हमारे भारतीय चावल का खुद पे इस्तेमाल करने के बजाय अपने खुद के व्यापार में इस्तेमाल करने लगा था। अभी हाल ही की एक रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों कि 2022 में सिंगापुर में जितने भी राइस के स्टॉक बचे हुए थे उनमें हमारे भारत का करीबन हिस्सा 50% से भी ऊपर था, और हमारे भारत के इस कदम से सिंगापुर की पूरी फूड सप्लाई चेन बिगड़ चुकी है। क्योंकि भले ही सिंगापुर दोस्तों आज के समय में 30 से भी अधिक देशों से चावल इंपोर्ट करता है, लेकिन हमारे भारतीय बासमती राइस सिंगापुर को काफी अच्छी क्वालिटी के एवं काफी सस्ते दामों में मिल जाया करते थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सिंगापुर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और हमारे भारत के बिना सब्सिडी वाले चावल पर लगातार बैन लगाने की बात कर रहा है। खैर, वक्त ही बताएगा दोस्तों कि क्या होता है। वैसे आपकी क्या राय है सिंगापुर की इस हरकत को लेकर और हमारे भारत द्वारा सिंगापुर को सब्सिडी बंद करने के निर्णय को लेकर? कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।